हे गाइस वेलकम टू द वीडियो। आज कल हम बात कर रहे हैं इंडियन नेवी ओपन जो है हमारे भर्ती 2022 के बारे में। इसके बारे में यहाँ पर जो है ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो है वो आ चुकी है, कैसे इसके अंदर आवेदन करना है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली, क्या एज लिमिट होने वाली, कौन कौन से बच्चे इसके अंदर आवेदन जो है वो कर सकते हो, क्या इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ा, ये सारा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए, सारा डिटेल्स आपको बताते हैं ए टू जेड। अगर वीडियो को देख रहे हैं तो 1000 प्लस लाइक का टारगेट, 100 प्लस शेयर का टारगेट रखें तो जल्दी से पूरा कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय लेते हुए। सो गाइस, जो भी इंडियन नेवी की तैयारी कर रहे हो, एमआर की तैयारी कर रहे हो, एसएससी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, तो उनके लिए यहाँ पर जो है बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट की नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियली यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है। बात करते हैं यहाँ पर बैच जो होने वाले वो जुलाई 2022 बैच होने वाले, यानी कि 7/7/2022 बैच होने वाली है। अब बात करते हैं इसके अंदर कितनी पोस्ट आई है, ये सारा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर आपको सबसे पहले हम आपको बता दें। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर आपको जो बताते हैं वो रिक्वायरमेंट बोर्ड नेम के बारे में, जहाँ से ये भर्ती रिलीज़ किया गया है। तो ज्वाइन इंडियन नेवी की तरफ से यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। एंट्री टाइप एमआर एसएससी होने वाली है, एसएससी ऑफिसर, जो कि यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। टोटल सिलेक्शन अगर आप रिटर्न एग्जाम क्लियर करते हो और फिजिकल करते हो तो आपको जो है वो जॉब प्रोवाइड की जाएगी। एप्लीकेशन मोड आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करना है, यानी कि एप्लीकेशन मोड जो आपने मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर आवेदन आराम से कर सकते हो। जॉब क्रेडिट डिफेंस की जॉब होने वाली है, हु कैन अप्लाई, तो ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत के बच्चे इसके अंदर अप्लाई करेंगे, यानी कि ऑल इंडिया कैंडिडेट्स। लेकिन आपके पास जो होना चाहिए वो एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और वो भी अनमैरिड मेल कैंडिडेट होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके अंदर यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, तो कितना फ़ी आपसे लिया जाएगा, तो 100 जो कि जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स से यहाँ पर जो है पे करवाना पड़ेगा। अगर आप जनरल ओबीसी से हो तो 100 पे कर देना, एसटीएससी से हो तो यहाँ पर कोई फ़ी चार्ज आपसे यहाँ पर जो है ज़्यादा नहीं कर रही है, मात्र 60 रुपये आपको पे करना है। पेमेंट मोड आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सारा कुछ फ़ी पेमेंट मोड रखी गई है, आप यहाँ पर किसी भी तरीके से आवेदन कर सकते हो। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में, तो एज लिमिट आपका जो होना चाहिए वो 1/10/1999 से लेकर 30/9/2007 के बीच अगर हो तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हो। इस डेट से हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप आराम से यहाँ पर कर लेना। लेकिन वही बात करते हैं, अगर आप ओबीसी से हो तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा में 3 साल के छूट मिलेगी, एसटी से हो 5 साल के लिए छूट मिलेगी। तो यहाँ पर देख लेना आप कौन से यहाँ पर कैटेगरीज में आते हो। इसके अंदर यहाँ पर जो ऑफिसर की आपको जॉब प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन इसके अंदर जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन मात्र आपको जो मांग रहे हैं वो 10th पास मांग रहे हैं। अगर आप 10वीं पास हो यहाँ पर आवेदन कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बेफिक्र यहाँ पर आराम करना, आपका जो एडमिट कार्ड हो वो आराम से आ जाएगी, इसमें जो है वो परसेंटेज आपसे नहीं मांग रही है। इसके अंदर बात करते हैं आपका जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा, क्या क्या इसके अंदर यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट है, तो रनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको 1.6 किलोमीटर रनिंग करना पड़ेगा 7 मिनट्स के अंदर, 7 मिनट के अंदर आपको जो है वो रनिंग क्लियर करना पड़ेगा। 20 स्क्वाट्स हैं, उठक बैठक जिसको बोलते हैं, 10 पुशअप है। वैकेंसी डिटेल्स की हम बात करें इसके अंदर पोस्ट के बारे में, तो 240 पदों के लिए ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी यहाँ पर आई है। तो कैसे इसके अंदर आवेदन करना है ये आपको डिटेल्स के साथ यहाँ पर जो है मिल जाएगी। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया, कब से फॉर्म अप्लाइंग स्टार्ट है ये मैं आपको बता दूँ, 7 यानी कि जुलाई 2022 बैच होने वाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 9 मई 2022 से फॉर्म जो स्टार्ट हो चुकी है, बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया गया और बहुत सारे बच्चों का अप्लाई हो भी गया है। अगर आप पीछे हो तो यहाँ पर अप्लाई कर लेना। रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है वो 18 मई 2022 है, तो देख लेना अपना कब से यहाँ पर जो है कब तक करना है, और यहाँ पर अगर लास्ट में करते हो सर्वर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन को यहाँ पर कैसे इसको सबमिट करना, आवेदन कैसे करना, तो अप्लाई ऑनलाइन यहीं से करना, डाउनलोड नोटिफिकेशन यहीं से करना, ऑफिशियल वेबसाइट पर यहीं से जाकर विजिट करना। अप्लाई आपका यहीं से होगा, अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हो, इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट सारा कुछ अपने मोबाइल से सबमिट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। कैसे करना अप्लाई इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। जो बच्चे यहाँ पर जो है वो तेज़ तरार हैं वो अप्लाई खुद से कर लेते हैं, तो अगर आप नहीं कर पाते तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जरूर बताऊंगा, बना के प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो बस वीडियो एंड करते हैं, आते हैं नेक्स्ट साथ, तो जय हिंद जय भारत। अप्लाई यहाँ पर जो है लिंक यहाँ पर दे दूंगा मैं इसकी, और अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस जो वो सरकारी गवर्नमेंट vacancy.com का लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे, या फिर गूगल पर भी सर्च करके जा सकते हो। तो आते हैं नेक्स्ट साथ, तो जय हिंद जय भारत।